अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की रहमतों के साए में रहें, खुश और आबाद रहें और हमारे साथ साथ रहें। रमज़ानुल मुबारक के फर्स्ट व्लॉग के बाद अब ईद उल फितर के व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। हमारी तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से ईद उल फितर की बहुत सारी मुबारकबाद। यकीनन आप सबकी ईद भी खैरियत से खुशियों भरी गुजरी होगी। हमारी ईद भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। हमारी ईद रूटीन इंजॉय करने से पहले रमज़ान में जो छोटे छोटे क्लिप्स मैंने बना के रखे हुए थे वो भी ऐड कर दिए हैं। कुछ अफ्तार के हैं, कुछ भाई ईदी देने के लिए आए वो क्लिप्स हैं, फिर उसके बाद ईद की तैयारियों के क्लिप्स हैं। इन सब को इन्जॉय करें और उसके बाद हमारी ईद की रूटीन को इन्जॉय करें। होपफुली आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। इससे भी हमेशा की तरह आप अपना भरपूर साथ और भरपूर प्यार देंगे। आए हमारे साथ हमारे ईद उल फितर के व्लॉग को इन्जॉय करें। अपनी ईद की तैयारियाँ बहुत डिटेल में शूट नहीं की, हाँ हेयर कलर किया था, सिर्फ रूट्स होने वाली थी तो मैंने सोचा इस दफ़ा देसी तरीके से घर में ही ट्राई करते हैं। तो अच्छे से कलर आ गया, नंबर भी चेंज किया था कलर का तो ठीक हो गया बस। और फिर उसके बाद आ जाती है पानी के पंप की बारी। तो हमेशा की तरह ये हमसे ईद पर अपनी ईदी ज़रूर वसूल करता है। पानी नहीं आया, मोटर ख़राब हो गई, मैकेनिक को बुलवाया, वो एक दफ़ा ठीक करके गए, फिर दोबारा से ख़राब हो गई। हाँ इसमें ये एक अच्छी बात रही कि चांद रात में जब ये ठीक हुई तो नेक्स्ट डे ईद वाले दिन दोपहर तक ये ठीक रही, उसके बाद ये दोबारा ख़राब हुई। ऐसा हुआ कि फिर सब ने ईद की नमाज़ वगैरह पढ़ ली और जो पानी वगैरह भरना था वो भर लिया। फिर जब ये ख़राब हो गई सेकेंड डे ईद वाले दिन, दो दफ़ा तीन दफ़ा मकैनिक आके इसे ठीक करके गए। बार बार इसकी बोकियाँ ख़राब हो जाती थी, रॉड इसका टूट जाता था, उसे ठीक करवाया, फिर कहीं जाके पानी की शक्ल देखना नसीब हुई, वरना बहुत ज़्यादा परेशानी में सारा टाइम गुजरा। बाहर देखें गली में बच्चों की कितनी रौनक है, बच्चे ईद कितनी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। बहरहाल बहुत खर्चा हो गया ईद की तैयारियों का। अब तो मुझे ये हिस्सा लगता है कि मोटर ने ख़राब होना और हमने मकैनिक को ईदी देनी ही देनी है। और फिर आ गया ये ईद का दिन। औरंगज़ेब और अकीब सवैयाँ खा के नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए, हमने पीछे से रूम सेट किया। अफशी खाला और बच्चे हमसे ईद मिलने के लिए आए और ये मज़ेदार से आलू चने हमारे लिए लेके आए। बच्चों को सवैयाँ सर्व की, साथ में उन्हें ईदी दी। नाश्ते के लिए बहुत फोर्स किया लेकिन बच्चा पार्टी सुबह से कुछ ना कुछ खा पी रहे थे तो उन्होंने मना कर दिया। फिर इसी असना में औरंगज़ेब और अकीब नमाज़ पढ़ के आ गए और साथ में गर्मा गर्म नान ले आए जो हमने बीफ पाए के साथ मज़े से इंजॉय किए। चूँकि रात के बहुत थके हुए थे, लेट नाइट कुकिंग करते रहे, जागते रहे, बाकी एक्टिविटीज़ चलती रहीं, तो इसलिए खाने के बाद सबका प्लान सोने का था। आपी जान की तरफ उनसे ईद मिलने के लिए जाना था लेकिन वो इवनिंग में जाना था इसलिए सुकून से सो गए, उठे रेडी हुए, फिर आपी जान की तरफ गए। वहाँ पर बड़ी सिस्टर भी आई हुई थी अपनी फैमिली के साथ, वो हमेशा ही टाइमली पहुँच जाती हैं, हालांकि दूर से आती हैं, हम अपनी सुस्ती में लेट हो जाते हैं कि चलें यहाँ करीब ही जाना है, आराम से जाते हैं। फिर छोटी सिस्टर से, भाभीियों से सबसे ईद मिले, आपी जान से ईद मिले। आपी जान काफ़ी बीमार रही हैं, लास्ट डेज में बहुत वीक हो गई हैं। अल्लाह पाक सबके वालदैन को, मेरे वालदैन को भी सेहत के साथ दराज उम्र अता फरमाए, इनका साया हमारे सरों पे सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन। और सबसे ईद मिलने के बाद ईदियों का तबादला शुरू हुआ। बच्चा पार्टी तो इतनी खुश थी ईद लेने के लिए कि उनके पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे, उन्हें पता था कि जो भी कोई बड़ा घर में मेहमान आएगा वो हमें ईदी दे के जाएगा। सबसे मिलने के बाद फिर खाने पीने का सिलसिला शुरू हो गया। सब खाना खा चुके थे, सिर्फ हम ही रह गए थे। बहुत मज़ेदार बिरयानी, उसके साथ रायता, कोफ्ते, अंडे और फिर गजरेला बना हुआ था। बड़ी भाभी ने केक भी बेक किया था। अफशी खाला के बनाए हुए आलू चने हमने फिर से इंजॉय किए, बहुत मज़ा आया। क्यूटू हसन बिलाल को देखें और मदीना पाक से माशाल्लाह भाई की पिक्स भी आती रहीं, उन्हें भी हमने बहुत इंजॉय किया। फिर शाम में हम टाइमली घर वापस आ गए, ये नेक्स्ट डे है। क्योंकि घर में पानी नहीं था तो हमने चेंज करने की जहमत नहीं की, सारा दिन मोटर ठीक करवाने के चक्कर में ही लगे रहे। और सेकंड डे हमारे पास गेस्ट भी थे, हमदा अपने मम्मा पापा के साथ हमसे ईद मिलने के लिए आई। मैंने सर के साथ एकेडमी में ऑलमोस्ट 7 ईयर्स जॉब की है, मैम के साथ मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छा लगा इन सब से मिल के। सर नमाज पढ़ने के लिए गए तो औरंगज़ेब को भी अपने साथ नमाज पढ़ने के लिए ले गए, पीछे फिर मैंने और मैम ने बैठ के खूब मज़े से गपशप की। और फिर बच्चों ने इवनिंग में अपनी ईदी कलेक्शन से पिज़्ज़ा पार्टी की। तो जी कैसा लगा आपको हमारा आज का छोटा सा व्लॉग, होपफुली अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, लाइक के बटन को प्रेस जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस
प्रेस करें ताकि नई आने वाली सब वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ। बहुत सारी दुआएं और प्यार आप सबके लिए। अल्लाह हाफिज़।